इनका ये मानना था कि मैनी साइडेड है ह्यूमन नेचर और विच वेंट अगेंस्ट द थ्री सेपरेट ऑर्डर्स, जो फ्यूडल सोसाइटी में तीन सेपरेट ऑर्डर्स द थ्री ऑर्डर आपने चैप्टर पढ़ा है उसके अगेंस्ट ही जा रहे थे, ठीक है। द एस्पिरेशन ऑफ वीमेन, अभी देखते हैं आगे। द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप इन एक्सक्लूडेड वुमेन, देखिए अब जो सिटीजनशिप और इंडिविजुअल एक बात आ रही थी, अब इंसान खुद को इंडिविजुअली प्रोत्साहित कर सकता था, इसमें एक्सक्लूड हो जाती है वीमेन, वीमेन्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डोमिनेटेड पब्लिक, दो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से जो आदमी थे वो डोमिनेट करते थे पब्लिक लाइफ में और डिसीजन मेकर भी वही थे कंप्लीट फैमिली में, ठीक है। दे एजुकेटेड देयर सन्स, तो अपने बेटों को पढ़ाई करवाते थे सो दैट वो टेक प्लेस कर सके फैमिली बिजनेस में और पब्लिक लाइफ में। एट टाइम सेंडिंग देयर यंगर सन्स टू ज्वाइन द चर्च, और यंग जो सबसे छोटा बेटा था उसको चर्च को ज्वाइन करवा देते। ऑल्दो देयर डाउरीज वर इन्वेस्टेड इन द फैमिली बिजनेस, वीमेन जनरली हैड नो से इन हाउ देयर हस्बैंड शुड रन देयर बिजनेस, लेकिन उनका जो दहेज था वो फैमिली बिजनेस में जाता था, जो महिलाएं दहेज में लेकर आती थी, बट उनको कोई बोलने का हक नहीं था कि कैसे बिजनेस रन करना है। ऑफन मैरिजेस वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंसेस, तो बिजनेस अलायंस को स्ट्रेंथ करने के लिए भी बनाया जाता था ये मैरिज का कंसेप्ट, ओके। अगर एडुकेट डाउरी नहीं मिलती थी, डॉटर वर सेंट टू कन्वेंट्स टू लिव लाइफ ऑफ अ नन, नन की लाइफ उनको जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, नन जो चर्च में मोंक्स मोनेस्ट्रीज में मिलती थी वहां पर, सो देखिए बहुत ही मिजरेबल लाइफ देखने को मिलेगा। द पोजिशन ऑफ वीमेन इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट हाउएवर वाज समवट डिफरेंट, लेकिन व्यापारियों की फैमिली में थोड़ा बहुत डिफरेंट था इनका पोजिशन वीमेन का। शॉपकीपर्स वर वेरी ऑफन असिस्टेड बाय देयर वाइफ्स, शॉपकीपर्स को असिस्ट करती थी उनकी वाइफ्स इन रनिंग द शॉप। इन फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वाइफ लुक्ड आफ्टर द बिजनेसेस व्हेन द मेल मेंबर्स वर अवे ऑन वर्क, वाइफ बिजनेस को भी संभालती थी जब आदमी बाहर होता था काम के लिए, और अर्ली डेथ अगर मर्चेंट की हो जाती थी तो उसकी विडो परफॉर्म करती थी पब्लिक रोल, ठीक है। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज की अगर हम बात करते हैं तो कुछ फीमेल्स उस टाइम इंटेलेक्चुअल हो जाती हैं रीडिंग वगैरह की वजह से और ह्यूमनिस्ट एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझ पाती हैं। इवन दो द स्टडी ऑफ लेटर प्रोमिसेस एंड ऑफर नो रिवार्ड फॉर वीमेन नो डिग्निटी, रोट द वेनेटिशियन कैसेंड्रा फेडले, एवरी वीमेन ओट टू सीक एंड एम्ब्रेस दी स्टडीज, लेकिन इनका मानना था कि इनको एजुकेशन लेना चाहिए, इन स्टडीज को पढ़ना चाहिए। ये देखिए इनमें से कुछ हैंडफुल वीमेन में से थी जो इन चीज़ों में क्वेश्चनिंग करती थी इन आइडियाज़ को। देखिए फेडल वॉज नोन फॉर हिज प्रोफिशिएंसी इन ग्रीक एंड लैटिन, वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में बहुत ही प्रोफिशिएंट थी एंड वॉज इन्वाइटेड टू गिव ओरेशन, सो स्पीच के लिए भी बुलाया जाता उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में। फेडल्स राइटिंग ब्रिंग इन टू फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन इन दैट एज, तो फेडल की जो राइटिंग है ये देखिए उस टाइम पर एक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दिखाती है। शी वॉज वन ऑफ द मैनी वेनेटिकन वीमेन राइटर्स हु क्रिटिसाइज रिपब्लिक फॉर क्रिएटिंग अ हाईली लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, और वो क्रिटिसाइज भी करती है कि ये जो रिपब्लिक का डेफिनेशन है बहुत ही लिमिटेड है और सिर्फ मैन के डिजायर को ये फेवर करता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। और वीमेन राइटिंग्स को अगर हम पढ़ेंगे तो वो चाहती थी कि हम भी क्या हो, इकोनॉमिकली पावरफुल, प्रोस्पेरिटी आए, एजुकेशन मिले हमें, सो दैट हम भी एक आइडेंटिटी बना सके, ठीक है, जो कि डोमिनेट की गई है आदमी के द्वारा। अभी चलते हैं डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, सो लेट्स सी डिबेट चलता है क्रिश्चियनिटी के अंदर ही, वो क्या डिबेट था देखना पड़ेगा। ट्रेड एंड ट्रैवल, मिलिट्री कंक्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स लिंक्ड इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट्स विद द वर्ल्ड बियॉन्ड, द न्यू कल्चर वॉज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय द एजुकेटेड एंड द वेल्थी। देखिए ट्रेड, व्यापार, ट्रैवल, मिलिट्री कंक्वेस्ट, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स क्या करते हैं, इटालियन टाउन्स और कोर्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, और जो नया कल्चर था एडमायर किया जाता है एजुकेटेड और वेल्दी लोगों के द्वारा, कुछ नए आइडियाज फिल्टर डाउन किए जाते हैं ऑर्डिनरी मैन के द्वारा, ओके। एंड आफ्टर ऑल कुड नॉट रेड और राइट, वेरी फ्यू ऑफ न्यू आइडियाज फिल्टर डाउन टू द ऑर्डिनरी मैन, देखिए ऑर्डिनरी मैन तक कुछ आइडियाज ही पहुंच पाते हैं इनमें से फिल्टर होके, और जो कि पढ़ नहीं पाते थे लिख नहीं पाते थे। 15th और 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे स्कॉलर जो होते हैं नॉर्थ यूरोप के वो ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक उनके इटालियन कलीग्स थे जो दे टू फोकस्ड ऑन, वो भी किस पे फोकस करते हैं, क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट पे और होली बुक्स क्रिश्चियनिटी की। बट अनलाइक इटली, देखिए अनलाइक इटली वेयर प्रोफेशनल स्कॉलर्स डोमिनेटेड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, इन नॉर्थ यूरोप ह्यूमनिज्म अट्रैक्टेड मेनी मेंबर्स ऑफ द चर्च। देखिए इटली में क्या था, जो
प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे वो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में थे, लेकिन नॉर्थ यूरोप की बात करें तो वहां पर चर्च के लोग भी ह्यूमनिज्म में आ जाते हैं। दे होल्ड ऑन क्रिश्चियनिटी टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लेड डाउन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजन डिस्कार्डिंग अननेसेसरी रिचुअल्स। तो वो बोलते हैं कि भाई इसका ये जो पुराने रिचुअल्स हैं इनको फॉलो कीजिए, अननेसेसरी जो रिचुअल्स हैं उनको आप फॉलोअप नहीं कीजिए क्रिश्चियनिटी के अंदर। ठीक है, ये बातें आती हैं नॉर्थ यूरोप में, थोड़ा चेंज आता है। देयर वाज अ रेडिकली न्यू, ये नया एक तरीका दिखा ह्यूमन बीइंग्स एज फ्री एंड रैशनल एजेंट्स। लेटर फिलोसोफर वर्ड टू रिटर्न टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन इंस्पायर्ड बाय द बिलीफ इन डिस्टेंट गॉड हु क्रिएटेड मैन बट अलाउड हिम टू कंप्लीट फ्रीडम टू लिव हिज लाइफ फ्रीली इन परसर्ट ऑफ हैप्पीनेस। और ये बातें आने लगी कि भगवान ने इंसान को बनाया है बट उसको फ्री छोड़ा है कि वो अपनी लाइफ हैप्पीनेस कैसे वो जीना चाहता है वैसे जिए। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट, अभी देखते हैं क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट कौन कौन से, जैसे थॉमस मूरे इंग्लैंड के अंदर, एरेसमस होलैंड के अंदर, वो उनका मानना था कि चर्च हैड बिकम एन इंस्टीट्यूशन मार्क्ड बाय ग्रीड, आ चुका है चर्च के अंदर एक्सट्रॉक्टिंग मनी एट विल, मर्जी से अपना रुपया लेते हैं लोगों से, और ये बातें सामने आती हैं। ओके, वन ऑफ द फेवरेट मेथड ऑफ क्लर्जी वाज टू सेल इंडल्जेंसीज डॉक्यूमेंट्स व्हिच अपेरेंटली फ्रीड द बायर फ्रॉम बर्डन ऑफ सिंस ही हैड कमिटेड। Christians came to realize from printed translation of Bible in local language that their religion did not permit such practice. अभी देखिए, जो Christian लोग थे उनके पास जब Bible का printed form आता है तो उनको पता चलता है कि भाई जो ये rituals हमारे पास चर्च और clergy के लोग करवा रहे हैं ये तो Bible में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रीडिंग का राइटिंग का एक अपना ही एक बेनिफिट हुआ है यूरोप के अंदर। इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप पीजेंट्स बिगेन टू रिबेल, इसलिए रिबेलियन शुरू हो जाता है। कॉमन फोक एक्सटॉर्शन जो कर रहे थे चर्च के लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। दे वर प्लीज्ड व्हेन द ह्यूमनिस्ट पॉइंटेड आउट द क्लर्जीज क्लेम टू जुडिशियल एंड फिस्कल पावर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन सपोज्ड टू हैव बीन इशूड बाय कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर। देखिए पहला क्रिश्चियन रोमन एम्परर कौन था, कॉन्स्टेंटीन, याद होगा आपको ये तो। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल बनाई थी। ओके, सो ये पहले क्रिश्चियन थे, मींस पहले रोमन एम्पायर थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। तो यहाँ से इनका डोनेशन था ये, तब ये इस बुक से पता लगता है ट्रांसलेशन के बाद। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स वर एबल टू पॉइंट आउट दैट दिस वाज नॉट जेन्युइन एंड हैड बीन फोर्स्ड लेटर। तो ये बातें ह्यूमनिस्ट लोग समझाते हैं ऑर्डिनरी लोगों को कि ये जो एक्सटॉर्शन हो रहा है आपसे टैक्स वगैरह ले रहे हैं गलत है। अभी देखिए मार्टिन लूथर भी एक जर्मन मॉन्क थे, ये भी आते हैं, इन्होंने कैंपेन किया कैथोलिक चर्च के खिलाफ। कैथोलिक चर्च यानी पुरानी जो मान्यताओं पर निर्भर है जो चर्च। ठीक है, आर्ग्यूड द पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट, उनका मानना था प्रीस्ट नहीं चाहिए हमें कॉन्टैक्ट बनाने के लिए भगवान से। वो अपने फॉलोअर्स को कहता कि भाई आप भगवान में विश्वास रखिए, आप इसमें प्रीस्ट में विश्वास मत रखिएगा, वो अपने आप गाइड करेंगे आपको हेवन का रास्ता। इस मूवमेंट को बोला जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मीन्स प्रोटेस्ट करते हुए रिफॉर्म करना, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लेड टू चर्चिज इन जर्मनी ब्रेकिंग देयर कनेक्शन विद पोप। तो पोप का कनेक्शन टूट जाता है एंड कैथोलिक चर्च। इन स्विट्जरलैंड लूथर्स आइडियया वर पॉपुलर बाय ज्विंगली एंड लेटर बाय जीन काल्विन। तो बाद में इनके जो ये मान लीजिए और इनके जूनियर्स होते हैं वो इस आइडियाज को फैलाते हैं, टाउन्स तक अपील करते हैं। तो देखिए रूरल एरियाज में क्या है कि कैथोलिक चर्च अभी भी अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए थे। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक एनाबेपिट्स वर इवन मोर रेडिकल, ये उनसे भी ज्यादा रेडिकल होते हैं। दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ सेल्वेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। ये तो डायरेक्टली बोल देते हैं जितना भी सोशल ऑपरेशन हो रहा है हमारा उसको ही खत्म करो तभी हम सेल्वेशन मुक्ति ले पाएंगे। दे सेड दैट सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल पीपल एज इक्वल दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स एंड हैड राइट टू चूज देयर प्रीस्ट। तो इनका मानना था कि भाई भगवान ने हमें बनाया है फ्री, सभी को इक्वल बनाया है, तो हमारी मर्जी है हम अपना पुजारी चूज करें और टैक्स ना दें। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठती है। देखिए पिछले चैप्टर यहाँ से भी लिंक अप हो जाता है कि फ्यूडलिज्म के खिलाफ आवाज़ क्यों उठती थी लूथर। लेकिन रेडिकलिज्म, इतना ज़्यादा रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं करता था। वो कहता था कि जर्मन रूलर्स सप्रेस करें पीजेंट्स के रिवोल्ट को, विच दे डिड इन 1525। और 1525 तक क्या होता है कि इन पीजेंट्स के रिवोल्ट को दबा दिया जाता है, बट रेडिकलिज्म तो देखिए फिर भी चलेगी बिकॉज आपको पता है कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, लिबरल्स, तो रेडिकल्स तो रहेंगे, कितना ही आप प्रेशराइज कर लीजिए हर टाइप के इंसान तो मिल जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। एंड मर्ज ये प्रोटेस्टेंट्स के साथ मिल जाते हैं और ये प्रोसिक्यूट करते हैं कैथोलिक रूलर, जो भी कैथोलिक चर्च के राजा लोग थे उनको प्रोसिक्यूट करना शुरू करते हैं।
और क्लेम करते हैं कि लोगों का हक हो, यहाँ पर हम ही अपना चूज करेंगे जो उनके लाइक का हो। मतलब यहाँ पर वोटिंग का एक आइडिया आता है कि भाई डेमोक्रेसी टाइप से, ठीक है। इवेंचुअली इन फ्रांस क्या होता है, बहुत सारे चर्च में यूरोप कैथोलिक चर्च अलाउड प्रोटेस्टेंट टू वर्शिप एज दे चूज। तो धीरे धीरे डर के मारे क्या होता है कि कैथोलिक चर्च वगैरह अलाउड कर देती है प्रोटेस्टेंट को कि भाई आपकी मर्जी, आप कैसे वर्शिप कीजिए। इंग्लैंड में क्या होता है, रूलर्स पोप के साथ कनेक्शन ही तोड़ देते हैं डर के मारे, ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि हमें मार देंगे लोग तो प्रोटेस्टेंट्स हैं। किंग क्वीन वॉज फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द हेड ऑफ चर्च, अब से किंग और क्वीन ही हेड बन जाता है चर्च का, बिकॉज वो चूज किए जाएंगे लोगों के द्वारा। द कैथोलिक चर्च इटसेल्फ डिड नॉट एस्केप द इंपैक्ट ऑफ दीज आइडियाज एंड बिगन टू रिफॉर्म इटसेल्फ। तो कैथोलिक चर्च को अब रिफॉर्म करना जरूरी था, बिकॉज सारी जो आगे की लाइफ है वो ऐसे नहीं बिता सकते थे प्रोटेस्ट्स में। स्पेन इटली में क्या होता है, चर्चमैन एम्फेसाइज द नीड फॉर अ सिंपल लाइफ सर्विस टू पुअर। चर्चमैन जो लोग थे सिंपल लाइफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और हेल्प करते हैं पुअर लोगों की। जैसे कुछ लोग कॉम्बैट कर रहे थे जैसे प्रोटेस्टेंट्स को, सेटअप सोसाइटी ऑफ जीसस, उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस बनाया। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जीसिस्ट्स हुज मिशन वॉज टू सर्व द पुअर एंड वाइडर द नॉलेज ऑफ देयर कल्चर। देखिए कुछ ये इनके अपोजिशन भी मिलेंगे प्रोटेस्टेंट्स के, ऐसी बात नहीं है। सो हेयर इट इज द टाइम लाइन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पोज करके लिख सकते हैं, सो दैट आपको पता चले कि क्या टाइम लाइन आगे चला, ठीक है, आगे क्या टाइम लाइन आया इसके बाद प्रोटेस्टेंट्स के बाद। तो इसके बाद देखेंगे आगे, आगे देखिए द कोपरनिकन रिवोल्यूशन। सो व्हाट इज दिस कोपरनिकन रिवोल्यूशन, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर वॉज क्वेश्चन फ्रॉम एंटायरली डिफरेंट एंगल बाय साइंटिस्ट। देखिए क्रिश्चियन नोशन था कि मैन एक सिनर है, सिन करता है वो, तो ये साइंटिस्ट ने डिफरेंट एंगल से इसको अपोज किया, क्वेश्चन किया। द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विद द वर्क ऑफ कोपरनिकस। कोपरनिकस के बाद से टाइम थोड़ा चेंज होता है, वो मार्टिन लूथर के टाइम का ही था। मार्टिन लूथर आपको पता है जो रिफॉर्म कर रहा था। क्रिश्चियंस हैव बिलीव दैट द अर्थ वॉज सिनफुल प्लेस, भाई सिनफुल प्लेस अर्थ ये मानना था क्रिश्चियंस का। एंड हैवी बर्डन का सीन हमारे ऊपर, हमारे ऊपर सीन्स का बर्डन है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है, अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल बॉडीज। तो इनका मानना था अर्थ है भाई ये, और इसके चारों तरफ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे चांद, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, सूरज, सब कुछ घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, इनका ये मानना था। बट कोपरनिकस ने असर्ट किया था प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। अ डिवोइड क्रिश्चियन कोपरनिकस वाज अफ्रेड ऑफ पॉसिबल रिएक्शन टू दिस थ्योरी। अब ये इसको पता था कि रिएक्शन अपोजिशन ही आएगा इस थ्योरी के लिए। फॉर दिस रीजन ही डिड नॉट वांट हिज मैन्युस्क्रिप्ट, इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट जो इसने लिखी थी डी रिवोल्यूशनिबस द रोटेशन, वो नहीं चाहता था ये प्रिंट हो। ऑन हिज डेथ बेड ही गेव इट टू हिज फॉलोअर, उसने ये मैन्युस्क्रिप्ट अपने फॉलोअर्स को दिया डेथ बेड पर, जैसे रेटिकस को। इट टुक टाइम टू पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया, देखिए टाइम लगा लोगों को एक्सेप्ट करने में। इट वॉज मच लेटर, मोर देन हाफ अ सेंचुरी लेटर, देखिए हाफ अ सेंचुरी लेटर के बाद लोगों को मानना पड़ा कि हेवन डिफरेंस, ये मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ वॉज ब्रिज थ्रू द राइटिंग ऑफ एस्ट्रोनोमर्स, और जो हेवन और अर्थ के बीच में जो डिफरेंस था ये ब्रिज अप किया गया ऑथर्स के द्वारा, लाइक जोहान्स केपलर, केपलर थ्योरी आती है, जैसे गैलीलियो गैलीली। द थ्योरी ऑफ अर्थ एज अ पार्ट ऑफ सेंटर वॉज मेड पॉपुलर बाई केपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। देखिए सन सेंटर में है, कोपरनिकस ने बताया कि सन का चारों तरफ घूमती है, लेकिन सन सेंट्रिक जो थ्योरी थी वो आई केपलर के द्वारा, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि प्लैनेट देखिए सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, सर्कल्स में नहीं बल्कि एलिप्स में। ठीक है, आप गलत सोच रहे हैं, सर्कल्स में नहीं घूमते। गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया कि जो वही उसका कंसेप्ट था द मोशन, इसने लिखा, ठीक है, द रिवोल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स विद आइज़ैक न्यूटन्स की थ्योरी। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो थी इसने एक फाइनलाइज किया, ये जो रिवोल्यूशन का सारा जो काम था ये इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया था कंप्लीटली। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइंस का आगमन हो जाता है, लोगों की यहाँ पर आइडियाज आते हैं दिमाग में और चीजें बदलती हैं। रीडिंग द यूनिवर्स, अब रीडिंग द यूनिवर्स कैसे था भाई, गैलीलियो वंस मार्क दैट बाइबल दैट लाइट्स द रोड टू हेवन डिड नॉट से हाउ द हेवन वर्क। भाई गैलीलियो को मानना था कि बाइबल रास्ता तो बता रही है हेवन में जाने का, पर इसने ये नहीं बताया कि हेवन काम कैसे करता है। द वर्क ऑफ दिस थिंकर शोड द नॉलेज, यहाँ पर नॉलेज दिख रही थी, एक अलग बिलीव दिख रहा था, वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पर ये बिलीव करते थे, एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करते थे। एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन इन टू वट केम टू बी कॉल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ये बढ़ने लगा, तीनों सब्जेक्ट ये बढ़ने लगे। हिस्टोरियंस वर लेवल इज न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इसको हम साइंटिफिक रिवोल्यूशन बोलने लगे। कंसिक्वेंटली इन द माइंड्स ऑफ स्केप्टिक्स एंड नॉन बिलीवर, जो मानते नहीं थे इन चीजों को, गॉड बिगेन टू बी रिप्लेस्ड बाय नेचर एज द सोर्स ऑफ क्रिएशन।
तो अब भगवान की जगह पर क्या बनने लगा कि भी नेचर, कि भी भगवान ने नहीं बनाई दुनिया, नेचर ने बनाई है। इस प्रकार से इवन दोज हु रिटेन देयर, जिनका फेथ भगवान में भी था, वो भी डिस्टेंट गॉड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जो लाइफ को रेगुलेट करता है। सच आइडियाज वर पॉपुलराइज्ड थ्रू साइंटिफिक स्टोरीज, और ये सभी आइडिया साइंटिफिक सोसाइटीज के द्वारा ही एस्टेब्लिश हुए, जिससे साइंटिफिक रिवोल्यूशन बोल सकते हैं हम इसको। सो ये होता है। अभी हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसेंस इन 14th सेंचुरी। अब इतना कुछ पढ़ लिया हमने, तो क्या सच में रीबर्थ हुआ था क्या, ये जानना भी जरूरी है, बिकॉज वाई एंड हाउ यूपीएससी आस्क, तो हमें जानना जरूरी है। लेट अस नाउ रीकंसिडर द कंसेप्ट, अब दोबारा से देखते हैं। कैन वी सी दिस पीरियड एज अ शार्प ब्रेक इन द पास्ट, क्या भाई हम देख सकते हैं कि पास्ट से बिल्कुल टूट के हमने बिल्कुल नया जन्म ले लिया उस टाइम पर, मीन्स चीजों ने नया जन्म ले लिया पास्ट से टूट के, जो ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस थे, या फिर अर्लियर पीरियड जो था वो डार्कनेस का टाइम था, क्या ये सब कुछ सच है? ये बहुत ही एक पेचीदा सवाल है जिसका जवाब हमें अब इसमें मिलेगा। देखिए कुछ जो राइटर्स हैं टाइम के, आज के टाइम के, पीटर बर्क ऑफ इंग्लैंड हैड सजेस्टेड दैट, जो बर्क चार्ट ने लिखा था वो एक्सकरेटिंग द शार्प डिफरेंस बिटवीन दिस पीरियड एंड वन दैट प्रीसीडेड इट बाय यूजिंग द टर्म रेनेसेंस। उन्होंने रेनेसेंस वर्ड यूज किया, विच इंप्लाइज द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन वॉज रीबोर्न एट दिस टाइम। ओके, द स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ पीरियड सब्स्टिट्यूटेड द प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड। अब वो क्रिश्चियन से पहले का टाइम और क्रिश्चियन के टाइम, जो क्रिश्चियनिटी का टाइम था, उसके बीच में आपस में सब्स्टिट्यूट करने लगे चीजों को। बोथ आर्ग्यूमेंट्स वर एक्सकरेटेड। स्कॉलर्स इन अर्लियर सेंचुरी हैड बीन फैमिलियर विद ग्रीक एंड रोमन कल्चर। स्कॉलर जो पुराने टाइम की सेंचुरीज के थे वो ग्रीक और रोमन कल्चर को जानते थे। रिलीजन उस टाइम पर भी इंपॉर्टेंट था लोगों की लाइफ में। टू कॉन्ट्रास्ट, देखिए इसके विपरीत, रेनेसेंस पीरियड है डायनेमिज्म का, बदलाव का, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी का, एंड द मिडल एज एज द पीरियड ऑफ ग्लूम एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। इनका मानना है कि मिडल एज क्या है, लैक ऑफ डेवलपमेंट थी उस टाइम पर, ठीक है। मैनी एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द रेनेसेंस इन इटली कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 12th एंड 13th सेंचुरी। तो 12th और 13th सेंचुरी में रेनेसेंस आया। इट हैज बीन सजेस्टेड बाय सम हिस्टोरियंस दैट इन 9th सेंचुरी इन फ्रांस देयर हैड बीन सिमिलर लिटरेसी एंड एरिस्टिक ग्लूम। तो भाई देखिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 13, 14, 12 सेंचुरी में ये रेनेसेंस आया, बिकॉज कुछ का मानना है कि 9th सेंचुरी जब थी फ्रांस के अंदर, तो उस टाइम पर भी ऐसे ही आर्टिस्ट क्रिएटिविटी और चीजें बदल रही थी, लिटरेसी आ रही थी। सो द कल्चरल चेंजेस यूरोप में आया था वर नॉट शेप्ड ओनली बाय क्लासिकल सिविलाइजेशन, सिर्फ क्लासिकल सिविलाइजेशन रोम और ग्रीस की वजह से नहीं हुआ। द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी रिकवरी ऑफ रोमन डिड क्रिएट अ ग्रेट एडमिरेशन ऑफ सिविलाइजेशन। लिटरेसी और आर्कियोलॉजी की वजह से भी सिविलाइजेशन का एडमिरेशन, तारीफ करने लगे, बट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स इन एशिया हैड मूव्ड फार अहेड ऑफ व्हाट ग्रीक्स रोमन हैड नोन। देखिए एशिया की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी ग्रीक्स और रोमन्स की बजाय, मच मोर देन वर्ल्ड हैड बीन कनेक्टेड। द न्यू टेक्निक आने लगी, नेविगेशन की आने लगी, कंपास वगैरह है हमारा, वेरियस टेक्नोलॉजी चीजें बदलने लगी, इस्लाम का एक्सपेंशन है, मंगोल कंक्वेस्ट है, वो आपस में यूरोप, अफ्रीका, एशिया को जोड़ने लगे, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, स्किल्स के मामले में भी आपस में जुड़ने लगे। देखिए ग्रीक और रोमन से जरूरी नहीं है यूरोपियन सीखते थे, इंडिया से, अरब से भी, ईरान से भी, चाइना से भी सब कुछ सीख रहे थे। तो इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट चेंज दैट डिड हैपन इन दिस पीरियड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज माना जाता है, द प्राइवेट एंड द पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ बिगेन टू बिकम सेपरेट। अब है ना, पब्लिक लाइफ अलग दिखती थी और एक इंसान की प्राइवेट लाइफ अलग दिखती थी, एक सेपरेशन दिख रहा था अभी यहाँ पर, ठीक है। प्राइवेट के अंदर फैमिली होती थी, पर्सनल रिलीजन होता था खुद का, और पब्लिक स्फीयर के अंदर होता था उसका गवर्नमेंट का एरिया और रिलीजन, धर्म का एरिया। द इंडिविजुअल के पास प्राइवेट लाइफ भी थी, पब्लिक लाइफ भी थी, वो सिर्फ मेंबर नहीं था थ्री ऑर्डर्स का, वो पर्सन था खुद के अधिकार का भी, ठीक है। एन आर्टिस्ट वाज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ गिल्ड, अब देखिए आर्टिस्ट सिर्फ गिल्ड का, ग्रुप का मेंबर नहीं था, वो खुद के नाम से भी अब जाने जाने लगा, ठीक है, जाना जाने लगा। इन द 18th सेंचुरी द सेंस ऑफ इंडिविजुअल वुड बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिकल फॉर्म। और 18th सेंचुरी में क्या होता है, इंडिविजुअल जो कंसेप्ट है ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है, इन द बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव, जैसे सभी इंडिविजुअल्स के पास इक्वल अधिकार है, इसीलिए एक और डेवलपमेंट होती है यूरोप के अंदर इस टाइम पर, दैट इज सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का जो लैंग्वेज पर बेस्ड हो। जैसे यूरोप जो पहले रोमन एम्पायर से यूनाइटेड था, बाद में लैटिन और क्रिश्चियनिटी थे, वॉज नाउ डिजोल्विंग इन टू स्टेट्स ईच यूनाइटेड बाई कॉमन लैंग्वेज। देखिए पहले रोमन एम्पायर ने जोड़ रखा था इसको, फिर लैटिन और क्रिश्चियनिटी ने जोड़ दिया, लेकिन अब खुद की लैंग्वेज से खुद की सिटीज, शहर, स्टेट्स जुड़े हुए थे। तो देखिए ये रेनेसेंस था, बट इतना ज़्यादा नहीं मान रहे यहाँ पर ये, बिकॉज रेनेसेंस तो चलता रहता है, रीबर्थ तो होता रहता है चीज़ों का। सो दिस वॉज अवर थीम 7। एज वी हैव रेड अबाउट
चेंजिंग ट्रेडिशंस, सो इसके अंदर काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं अच्छे से। और ये था हमारा चैप्टर, होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। हमने लाइन टू लाइन इसको रीड किया है, प्रॉपरली देखा है। एंड अगला जो चैप्टर हमारा है वो कन्फ्रंटेशन है ट्रेडिशंस का, जो आपस में टकराव हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे आपको यूरोप का प्लस सेंट्रल एशिया वगैरह का हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा, बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझ में आएगा यहाँ पर, कि क्या उस टाइम पर बदलाव आ रहे थे और क्या कुछ उस टाइम पर किस टाइप के लोग आ रहे थे। सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। आप इसका रिविजन कीजिए, इसको सेल्फ स्टडी कीजिए इसका, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू एवरीवन।